करनाल के इंद्री के रहने वाले अमित नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवा दिया है। इधर मृतक के परिजनों ने मृतक के ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि अमित नामक युवक की मृत्यु होने का मामला है, जिसमें मृतक अमित के परिजनों ने लड़की पक्ष पर अमित की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है, जिसमें मृतक की पत्नी, उसके माता पिता, ननंद का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और डेड बॉडी मृतक की पत्नी के परिजनों को सौंपने की बजाय मृतक के माता पिता को शव सौंपा जाएगा। वहीं मृतक के पिता ने कहा कि उनके बेटे को बहू द्वारा ही जहर या कोई अन्य चीज देकर मारा गया है और मरने के बाद लड़के के माँ बाप को कोई सूचना भी नहीं दी गई, जिसकी सूचना भी पुलिस में दे दी गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। अमित वाला मामला यही है जी, इनके इसके घर को की साजिश है, इसके ससुराल वालों की साजिश है, साजिश के तहत मारा गया। हमने ये नहीं पता, घोट का मारा, जहर देकर मारा, फांसी देकर मारा, किक कर मारा, मारा तो मार दिया, मारा तो नाश कर दिया। हमें तो इंसाफ चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कौन कौन लोग शामिल हैं सर? शामिल इसके सासू ससुर हैं लड़के के, और साड़ी है एक, इसका साड़ा है। हर तीसरे दिन का काम था पीटने का, तीसरे दिन का काम था पीटने का। अगर हमारे पास फोन करे था फोन नहीं करने देते। हमारे पास एक महीना पहले हमारे पास आने को कहता, उसके बाप ने नहीं आने दिया। रिकॉर्डिंग हमारे पास सब कुछ है, उसके बाप ने कहा वहाँ ना चले जाइयो, मतलब हमारी गल्लो बोलने भी तक नहीं देते, हमारी गल्लो कलाम नहीं करने देते। तो आपस में भी मियां बीवी का कुछ था, कुछ ऐसा आपस में? हाँ, आपस में उन्होंने फोन फान भी पकड़ रखे, जिस पर फोन करे थी, जो कि आवा था जावा था, फर्क मतलब लाठ हटक है, सारी सब सब कुछ है। तो बाबू जी एक पर्चा भी दिखाया इन्होंने जिसमें कि 2018 में वो तो एक वो तो एक वो मरने की धमकी दे थी, मरने तेरे घर को ना, तेरे भाइयों ना, सबने लदवा दूंगी। कौन देवे थी? यही बहू, लड़के की बहू धमकी दे थी, आग मैं तुमने सारों ना बंधवा दूंगी, मैं मर जाऊंगी। तो हाँ, जुलाई थे पहले पंजाब में कहीं भी आई थी, वहाँ एक हफ्ता रह गया, फिर दूसरी जगह अपने फूफा गिल्लो भाग गई थी कुमारी, अपने फूफा गिल्लो कुमारी भाग गई थी, ढाई महीने में पाई थी। ये रिकॉर्ड थे इसके, दो का ब्याह करता, दोनों छुट्टी बट्टी, वह छोटे वाली भी छुट्टी बट्टी अपने करो, और उसी की साजिश है, मैन मुद्दा वही है, इसके मरवाने में मैन मुद्दा वही है। तो पुलिस से क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस से हम कार्रवाई करी, पुलिस आने वाली है, हमने चाहे धरना भी धरना पड़ी हो, हम बड़ोली पुल रोक देंगे, वहाँ से 1,000, 2,000, 5,000 आदमी भी आ जाएंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम इंसाफ लेंगे, इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस के पास पहुँचे थे, क्या आश्वासन दिया, क्या क्या बातचीत क्या हुई है? पुलिस ने आश्वासन दिया, केस बना दिया, उन्हें फाइल तैयार कर ली सारी अपनी, और वे तहकीकात करेंगे पूरी करो। आपने शिकायत दी है कि बेटे को हत्या, मतलब आपका कहना है कि इसकी हत्या? आत्महत्या नहीं है जी, हत्या है, आत्महत्या नहीं है, हत्या करी गई, साजिश के तहत करी गई। क्या मामला है और इसमें कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? ये सर अमित है जो, इसने अपने घरवाली के परिवार वालों से ही के खिलाफ जो ये मुकदमा दर्ज हुआ ना, तो ये तंग करते थे इसको, अमित को तंग करते थे, और इन्हीं की जातियों से तंग आ करके किसी ने कोई जहरीली चीज़ खा करके अपना जीवन लीला समाप्त की। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये 5 लोगों के खिलाफ है जी। कौन कौन है? यही इसके सास ससुर और ननद है, और जो भी एक दो, और इसका पत्नी भी है। पत्नी भी है, हाँ जी। तो क्या कार्रवाई की जा रही? बस अभी मुकदमा दर्ज कर दिया ये बयान पे, इसके पोस्टमार्टम आज हो जाएगा, और फिर दो उसके माँ बाप को दी जाएगी, जो लड़के का अमित के माँ बाप, मृतक के माँ बाप। तो सर एक कागज जो तूने दिखाया कि 2018 में इसको बेदखल कर दिया था अमित को, तब से आना जाना नहीं था, ये बेदखल बता रहे करो क्या? नहीं, हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। एक कागज वो दिखा रहे हैं, रितु के परिवार, रितु दिखा रही है 2018 में अमित और उसके भाई को इन परिवार ने बेदखल कर दिया था। वो हमारे पास कोई विषय नहीं है इसकी चिंता। तो जाँच कर, हाँ जाँच करेंगे, आगे जो भी आएगी जाँच में होगा उसमें लेंगे। शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।